Nityanandini, one of its kind, authentic Kerala Ayurvedic Panchkarma Center in Dwarka. Ayurvedic doctor is also available for consultation. Experience the healing. राम सुतार भारत के एक सुप्रसिद्ध मूर्तिकार हैं। महाराष्ट्र में 19 फरवरी 1925 को इनका जन्म हुआ था और इस शिल्पकार का पूरा नाम है राम वंजी सुतार। इन्होंने कई महापुरुषों की विशाल मूर्तियां बनाई हैं और उसके चलते उन्होंने देश और विदेश में बहुत नाम कमाया। भारत सरकार ने 1999 में राम सुतार जी को पद्मश्री से सम्मानित किया। 2018 में इन्हें टैगोर कल्चरल अवार्ड से भी सम्मानित किया गया और इन्हें पद्म भूषण भी दिया जा चुका है। वैसे तो सुतार जी ने बहुत सी मूर्तियां बनाई हैं, किंतु उनमें से कुछ विशेष हैं, जिसमें कि 45 फुट ऊंची चंबल देवी की मूर्ति, 21 फुट ऊंची महाराजा रणजीत सिंह जी की मूर्ति, 18 फुट ऊंची सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति जो कि संसद भवन में है, 17 फुट ऊंची मोहनदास करमचंद गांधी जी की मूर्ति जो कि गांधीनगर गुजरात में है, 9 फुट ऊंची भीमराव अंबेडकर साहब की मूर्ति जो कि जम्मू में है। इतना सब काम करने के बावजूद इस मूर्तिकार के दिल में एक तमन्ना थी कि कुछ ऐसा करके जाएं जिसे देखने के लिए देश विदेश के लोग भारत आए और उन्हें स्टैचू ऑफ यूनिटी को बनाने का मौका मिला। मूर्तिकार राम वंजी सुतार ने विश्व की सबसे ऊंची सरदार पटेल जी की मूर्ति का डिजाइन तैयार किया और बतौर मूर्तिकार मुख्य भूमिका निभाई। और आज राम वंजी सुतार द्वारका आए और उनके द्वारका आने का मकसद था कलाभूमि इंस्टीट्यूट ऑफ फाइन आर्ट्स की एग्जीबिशन और अवार्ड सेरेमनी, जिसमें सुतार जी मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पर आए और यहाँ आकर उन्होंने अपना बहुत सा समय इन बच्चों को प्रोत्साहित करने में बिताया। अब उनकी उम्र 94 वर्ष है, लेकिन उनका उत्साह देखने योग्य है। आज भी वो स्टेज पर बहुत देर तक खड़े रहे और उन बच्चों को प्रोत्साहित करते रहे। इस कार्यक्रम के दौरान अनगिनत लोगों ने उनके साथ आकर अपनी तस्वीरें उतारी, सेल्फी ली, उनके चरण स्पर्श किए। उसके साथ साथ सुतार जी ने कलाभूमि के द्वारा किए जा रहे प्रयासों को सराहा, उनके बच्चों के पेंटिंग्स देखी और उनकी बारीकियों को भी उन्हें बताया। इस कार्यक्रम की पूरी जानकारी जल्द ही हम आपको सुनाएंगे अपने पूरे कार्यक्रम में, जिसमें कि राम मंजी सुतार का इंटरव्यू भी रहेगा। सुनते रहे रेडियो द्वारका, एक कदम कल की ओर। सूरज की नारंगी किरणें जैसे ही द्वारका में पड़ती हैं, परमार्थी की टीम उसको सुंदर और स्वच्छ बनाने के लिए निकल पड़ती है। आइए इस प्रयत्न में कुछ कदम आप भी साथ चलें, परमार्थी प्रहरी बनें